हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो जिस कंटेंट का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो कंटेंट आपके लिए मैं आज लेके आ गया हूँ। अपन आज देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने Xiaomi, Redmi और Poco डिवाइसेस के बूट लेडर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं विदाउट पीसी के। जी हाँ, अपन आज विदाउट पीसी के बूट लेडर को अनलॉक करने वाले हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्रोसेस को अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करिए। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको भी वैसे वैसे ही करना है। इस वीडियो में अपन कुछ कमांड जो है रन करने वाले, अगर आप उन कमांड्स में स्पेस भी देना भूल गए तो आपको इसमें बहुत से एरर्स फेस करने को मिल सकते हैं। तो रिकमेंडेशन है कि आप वीडियो को अच्छे से और से देखिए और मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं और जितने भी पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं सबका मैं रिसर्च करके उन सबका सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। और हाँ, मैं आपको यहां पे एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में आपका सारा डेटा वाइप होने वाला है, तो आप अपने डिवाइस का कंप्लीट बैकअप ले लीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो सब्सक्राइब कर दो। ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो डिवाइसेस है, एक है मेरा Poco X3 NFC और एक है मेरा Redmi Note 9 Pro Max। यहां पे आप दोनों डिवाइसेस को अच्छे से देख लो। Poco X3 NFC का बूट लेडर अपन अनलॉक करने वाले और Redmi Note 9 Pro Max को अपन एज ए पीसी यूज करने वाले बूट लेडर को अनलॉक करने के लिए। अच्छे से देख लो दोनों डिवाइसेस को, याद रखना कौन सा पीसी है और कौन से डिवाइस का बूट लेडर अपन अनलॉक कर रहे हैं। आपको चलना है अपने उस डिवाइस पे जिसका बूट लेडर आप अनलॉक कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। इस डिवाइस के आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सबसे पहले सेटिंग आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपके डिवाइस में मी अकाउंट जो है लॉग इन रहना चाहिए। अगर लॉग इन नहीं है तो लॉग इन कर लेना और यहाँ पे अबाउट फोन पे अपन टैप करेंगे। यहाँ पे आपको मी वाई वर्जन पे 3-4 बार जो है टैप कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शन देख सकते हैं इनेबल हो जाता है। बैक आएंगे अपन, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे टैप करके अपन यहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शन वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा OEM अनलॉकिंग, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहेगा, इसको आपको अलग से इनेबल करना पड़ेगा। तो मेक श्योर रहना कि इनेबल रहना चाहिए, इसको अगर इनेबल नहीं करेंगे तो बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा। पूरे वीडियो का मेन स्टेप है, इसको इनेबल कर देना याद से। और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं USB डीबगिंग का ऑप्शन है, इसको भी आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के लिए 10 सेकंड का जो है टाइम आउट ये लगा था, तो आप 10 सेकंड वेट करके यहाँ पे ओके पे टैप कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ये दो सेटिंग्स अच्छे से देख लो, इसको इनेबल कर दो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मी अनलॉक स्टेटस, इस पे टैप करेंगे अपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस का बूट लोडर लॉक्ड है। डिवाइस का बूट लोडर लॉक्ड है मतलब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अगर डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक्ड है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे डिवाइस का बूट लोडर लॉक्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दिस डिवाइस इज लॉक्ड। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस का मोबाइल डेटा ऑन करना है। ध्यान रखना ये ट्रिक वाईफाई से वर्क नहीं करेगी, आपको मोबाइल डेटा ही ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं अपने डिवाइस का मोबाइल डेटा ऑन कर दिया हूँ। आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा ऐड अकाउंट एंड डिवाइसेस, तो इस वाले ऑप्शन पे आप टैप कर देंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपेयरिंग टू ऐड अकाउंट एंड डिवाइसेस का यहाँ पे पॉपअप अपने को देखने को मिल रहा, थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं एडेड सक्सेसफुली मी अकाउंट इज एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस, तो ये पॉपअप आना जरूरी है। अब कुछ कुछ यूजर्स को जो है एडेड सक्सेसफुली अकाउंट ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता, तो आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते। अब कुछ यूजर्स को जो है नॉट वेरीफाई कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाता, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुड नॉट वेरीफाई आया तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मी अकाउंट पे टैप करना है। मी अकाउंट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे Xiaomi क्लाउड का ऑप्शन नीचे आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिख जाएगा, सिर्फ इस पे टैप करिए। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे सारे परमिशन को आप अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहेगा, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर इनेबल है तो आप इसको डिसेबल करके इनेबल कर लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने मी अकाउंट को लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्राई करिए ऐड अकाउंट एंड डिवाइसेस पे टैप करिए, आपका मी अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाता। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो कमेंट सेक्शन में क्यूरी डाल देना। अब हम चलेंगे अपने पीसी डिवाइस पे। यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये फाइल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो पहला एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मक्स API है और यहाँ पे दूसरा वाला एप्लीकेशन टर्मक्स एप्लीकेशन है ये, और यहाँ पे तीसरा आपको account.apk का जो है फाइल मिल जाएगी। ये तीनों फाइल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे बारी बारी तीनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस में। सबसे पहले अपन मी account.apk फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये अपने डिवाइस में जो इंस्टॉल हो जाता। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टर्मक्स ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता, तो इस पे टैप करके यहाँ पे देख सकते हैं टर्मक्स एप्लीकेशन है। सिंपली इंस्टॉल पे मैं टैप कर दूंगा तो इंस्टॉल मेरे डिवाइस में हो जाएगा। और यहाँ पे अपन तीसरी वाली अपनी एप्लीकेशन टर्मक्स API को इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो है बैकएंड में जो रन करती, बैकग्राउंड प्रोसेस पे रन करती, इसको आप ओपन नहीं कर सकते। ये API है, बैकएंड से डेटा आपके डिवाइस में लेके आती। तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ता, यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको टाइप करना पड़ता। अब कमांड्स बहुत सारे कमांड्स है और सारे कमांड्स मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के डाल दूंगा। कमांड्स अच्छे से आप टाइप करिए, स्पेसेस को अच्छे से दीजिए, कैपिटल स्मॉल जो भी है अच्छे से लिख के डालिए। वैसे मैं आपको यहाँ पे कैपिटल स्मॉल भी जो भी है एग्जैक्ट कमांड जो टाइप कर रहा हूँ वो साइड में आपको लिख के मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे अपन जो है पहला अपना कमांड टाइप करने वाले हैं। यहाँ पे अपन टाइप कर देंगे PKG
स्पेस देके अपन यहाँ पे अपडेट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कमांड दे सकते लिख दिया है, जूम करके भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, PKG स्पेस अपडेट, इतना लिख देने के बाद आप यहाँ पे कीबोर्ड पे जो सेंड वाला बटन है टैप कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते कुछ प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे कुछ बैकएंड से डेटा आपके डिवाइस में जो इंस्टॉल होता, एकदम हैकर वाली फीलिंग आ रही होंगी आपको, मेरे को भी आ रही थी। तो ये बैकएंड से डेटा आपके डिवाइस में इंस्टॉल करेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा यस या फिर नो का। तो आप अपने कीबोर्ड पे वाई टाइप करके जो है सेंड वाले बटन पे टैप कर दीजिए, 3-4 ये पूछता कि आपको यस करना है या फिर नो करना है, यस यस करके सिर्फ आपको यहाँ पे सेंड पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे नीचे प्रोग्रेस बार आप देख सकते, प्रोग्रेस 100% होना चाहिए, आपको यहाँ पे वाई टाइप करके सेंड करते जाना है। जितने भी बार ये पूछता सिंपली वाई टाइप करो सेंड करो, वाई टाइप करो सेंड करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस यहाँ पे एंड हो चुका है। यहाँ पे अपन अपना दूसरा कमांड टाइप करने वाले हैं, तो यहाँ पे अपन टाइप कर देंगे PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस GIT। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PKG इंस्टॉल गिट पैकेज इंस्टॉल गिट, तो ये गिट का पैकेज है। तो कमांड अच्छे से देख लो, PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस गिट, इतना टाइप कर देने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती। थोड़ी देर वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है। अपन यहाँ पे अपना तीसरा कमांड टाइप करने वाले, यहाँ पे अपन टाइप करेंगे PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस VIM। यहाँ पे देख लो अच्छे से कमांड, PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस VIM, ये टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। एक्चुअली VIM आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा, VIM गिट ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेजेस है, इसको अच्छे से देख के इंस्टॉल कर लेना। अब इतना होने के बाद आपको यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपन account.apk फाइल जो अपन इंस्टॉल कर रहे थे इस वाली फाइल को अपन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन पेज दिख जाएगा, आपके मे अकाउंट को आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते, मोबाइल नंबर से भी आप लॉग इन कर सकते, ईमेल से भी आप लॉगिन कर सकते, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है आपको उसी मी अकाउंट को लॉगिन करना है जिस डिवाइस का बूटलोडर अपन अनलॉक कर रहे, उसमें जो मी अकाउंट लॉग्ड इन है वही अकाउंट को यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना मी अकाउंट जो है लॉगिन कर ले रहा हूँ, अगर आप कौन सा भी दूसरा मी अकाउंट लॉगिन कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं नंबर जो है टाइप कर दिया, यहाँ पे मैं पासवर्ड भी जो है टाइप कर दे रहा हूँ। साइन इन वाले बटन पे अपन टैप करेंगे, यहाँ पे अपन कैप्चा को एंटर करेंगे, गलत हो गया, तो यहाँ पे अपन दूसरा कैप्चा जो है एंटर कर देंगे B7IJY। तो ओके, तो यहाँ पे मेरे दूसरे डिवाइस में OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP को एंटर कर दे रहा हूँ 612650। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे अपन, और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस को भी वेरिफिकेशन कर सकते, वैसे आपको यहाँ पे स्किप का बटन भी दिख जाएगा, इस पे मत दबाना, ईमेल वेरीफाई कर लेना, आपके ईमेल पे जो है वेरिफिकेशन कोड ये सेंड करता, तो कोड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपका ईमेल जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते कुछ कोड लिखा हुआ आ चुका है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कोड से अपन जो है अपनी डिवाइस के बूटलोडर को अनलॉक करने वाले हैं। तो इसको आप जो है कॉपी कर लीजिए, कोई भी नोट में जो है टाइप करके सेव कर लीजिए, या फिर अपने दोस्त को सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। इस वाले कोड को सेव करने के बाद अपन इस वाले एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे, और आपको अपने दूसरे डिवाइस पे चलना है जिसका बूटलोडर अपन अनलॉक कर रहे हैं। तो इस वाले डिवाइस को आपको फास्ट बूट मोड पे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस डिवाइस को जो है पावर ऑफ करना पड़ेगा, पावर ऑफ कर लेने के बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखना पड़ेगा। थोड़ी देर आप यहाँ पे प्रेस करके रखिए, तो आपका डिवाइस जो है बूट करेगा, आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड पे बूट करेगा। देख सकते हैं फास्ट बूट लिखा हुआ आ चुका है, तो अपना डिवाइस फास्ट बूट मोड पे भी आ चुका है। अपन क्या करेंगे, अपने डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे USB OTG की नीड पड़ेगी, Type-C to USB OTG आप ले लीजिए, 50 रुपए में मिल जाता, कौन से भी मोबाइल के शॉप पे आप जाके खरीद सकते। इसको अपन यूज करने वाले अपने दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। मैं इसको क्या करूंगा, USB OTG अपन उस वाले मोबाइल पे इंसर्ट कर लेंगे जिसको अपन एज ए PC यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने PC डिवाइस में जो USB OTG को इंसर्ट कर ले रहा हूँ, और Type-C जो केबल है उसको अपन उस वाले डिवाइस में इंसर्ट कर लेंगे जिसका बूटलोडर अपन अनलॉक कर रहे हैं। तो Type-C केबल को भी यहाँ पे मैंने देख सकते हैं इंसर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे अपने दोनों भी डिवाइसेस जो है कनेक्टेड है। हम चलेंगे अपने PC डिवाइस पे, वापस से मैंने जो है टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पे कुछ कमांड्स अपने को रन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक GitHub पेज का जो है लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में गिवन है वेबसाइट का लिंक, तो आपको इस वाले GitHub पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स मिलेंगे, अपन क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे जो कमांड है क्लोन दिस रिपो, यहाँ पे नीचे आपको कमांड मिल जाएगा, इसको अपन कॉपी कर लेंगे। अपन वापस से चलेंगे टर्मक्स एप्लीकेशन पे, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे आपको टैप एंड होल्ड करके रखना है, और यहाँ पे आपको कमांड को पेस्ट कर देना है। कमांड पेस्ट होने के बाद रन कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती। कमांड रन होने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टर्मक्स मी अनलॉक ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ चुका है। वापस से अपन चलेंगे GitHub पेज पे, और अपन यहाँ पे तीसरे कमांड को जो है कॉपी कर लेंगे, रन setup.sh। तो यहाँ पे नीचे देख सकते कमांड है *x setup.sh, इस वाले कमांड
कमांड को अपन जो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपन टर्मक्स एप्लीकेशन में आकर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको अपन एग्जीक्यूट भी कर देंगे, मतलब कमांड को रन कर देंगे इंटर वाले बटन पे टाइप करके। तो इस वाले कमांड को रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे वेट करिए। कमांड बहुत से फाइल्स आपके डिवाइस में डाउनलोड करता, अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 4 to 5 minutes लग जाते हैं इस वाले कमांड को रन होने के लिए। ये आपके डिवाइस में बहुत से पैकेजेस को डाउनलोड करता, बहुत से सेटअप फाइल्स को डाउनलोड करता। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड अपना जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद अपने को मालूम कैसे पड़ेगा कि अपने डिवाइस से यहाँ पे कनेक्टेड है या नहीं दोनों आपस में, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड है। आप यहाँ पे टाइप करिए, यहाँ पे आप टाइप करेंगे -i दीजिए, फास्टबूट स्पेस दीजिए और यहाँ पे आपको डिवाइसेस जो है टाइप कर देना है। तो यहाँ पे एक कमांड आप बच्चे से देख लीजिए, -i fastboot space devices, इतना कमांड जो है टाइप कर देने के बाद आप यहाँ पे ओके पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है कमांड को एग्जीक्यूट होने के लिए। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मक्स का जो API अपन ऐप डाउनलोड करे थे उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आता, तो इसको आप ओके पे टाइप करके इसको अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जो है जनरेट हुआ है हमारे डिवाइस का, C559F558 कुछ यहाँ पे सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे अपना डिवाइस जो है सक्सेसफुली कनेक्टेड है इस वाले डिवाइस से, ये डिटेक्ट कर चुका है अपने अनदर डिवाइस को। तो अपने को तो मालूम पड़ गया ये दोनों डिवाइस जो है आपस में कनेक्टेड है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने गिटहब पेज पे चलेंगे। आप यहाँ पे कमांड्स को देख सकते हैं, यहाँ पे अपन cmchmodsetup.sh वाले कमांड तक जो अपन जो एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अपन यहाँ पे नीचे वाले कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले गेट डिवाइस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस वाले कमांड को अपन कॉपी कर लेंगे और वापस से अपन टर्मक्स एप्लीकेशन में आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये कमांड क्या करता बोले तो आपके डिवाइस का कोड नेम निकाल के देता। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट करना, तो जो करना है ये मेरे डिवाइस का कोड नेम है। हो सकता है कि आपके डिवाइस का कुछ अलग कोड नेम हो, सारे डिवाइसेस के लिए अलग अलग कोड नेम रहता, बाद में अपन यूज करेंगे इस वाले कोड नेम को। ये कमांड तो एग्जीक्यूट हो गई, अपन जो है अपनी नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले गिटहब पेज पे आएंगे अपन। तो अपन जो है गेट डिवाइस प्रोडक्ट वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अपन यहाँ पे 5th वाली कमांड या फिर 6th वाली कमांड, इन दोनों कमांड्स को सेलेक्ट करना है। अब वो कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। 5th वाली कमांड जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाली डिवाइसेस के लिए कमांड है, जो 6th वाली कमांड है वो मीडियाटेक डिवाइसेस के लिए कमांड है। तो आप अपने डिवाइस का CPU टाइप चेक कर लीजिए, आपके डिवाइस में अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन तो आप 5th वाली कमांड को रन करेंगे, या फिर आपके डिवाइस में मीडियाटेक प्रोसेसर है तो आप 6th वाली कमांड को रन करेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है या फिर मीडियाटेक प्रोसेसर है, तो उसके लिए अपन गूगल पे चलेंगे। यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा मेरे डिवाइस का नाम, मेरे पास Poco X3 है, और उसके बाद अपन यहाँ पे CPU टाइप लिख देंगे। सर्च कर लेंगे अपन तो यहाँ पे आपको बहुत से वेबसाइट्स मिल जाएंगे। आप अपने डिवाइस का CPU टाइप चेक कर लीजिए, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन रहेगा या फिर मीडियाटेक रहेगा। तो आप यहाँ पे मेरे डिवाइस का CPU टाइप देख सकते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है। मैं आपको जूम करके भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। अपने को तो कंफर्मेशन हो गया, अपन क्या करेंगे यहाँ पे वापिस से अपन गिटहब पेज पे चलेंगे। तो मेरे डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, तो मैं आप 5th वाली कमांड को जो है कॉपी कर लूंगा। वापिस से अपन टर्मक्स एप्लीकेशन में आ जाएंगे और इस वाली कमांड को यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। इस वाली कमांड को रन करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन नंबर जो है जनरेट हुआ है। इस टोकन नंबर को अपन आगे यूज करेंगे। अपन यहाँ पे गिटहब पेज पे चलेंगे, यहाँ पे अपन 5th और 6th कमांड दोनों में से जो कमांड है जो भी अप्रोप्रिएट है आपके डिवाइस के लिए अपन जो है इसको रन कर चुके हैं। यहाँ पे अपन 7th वाली कमांड को जो रन करने वाले, रन गेट _token.sh इस वाली कमांड को जो अपन जो है रन करने वाले। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे chmod *x get_token.sh, तो यहाँ तक मैं जो है इसको कॉपी कर लूंगा। मैं चलूंगा यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन पे और इस वाली कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देके एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मैं चलेंगे यहाँ पे वापस से गिटहब पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं chmod *x get_token.sh के बाद यहाँ पे and लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे दो कमांड्स है। तो पहली कमांड तो अपन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुके हैं, यहाँ पे अपन दूसरी कमांड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसको अपन मैन्युअली टाइप करेंगे, कॉपी आपको नहीं करना है। /get_token.sh यहाँ से अपन इसको जो है टाइप करने वाले। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन में चलेंगे, यहाँ पे कमांड को अपन जो है टाइप करने वाले मैन्युअली। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ /_token.sh स्पेस देंगे अपन -product इक्वल्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। इक्वल टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पे अपने डिवाइस का प्रोडक्ट नेम जो है टाइप करना पड़ेगा। पिछली कमांड में अपन जो है अपने डिवाइस का प्रोडक्ट नेम निकाल चुके हैं, आपको याद होगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर चलेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट करना ये वाली कमांड जो है अपन रन करके अपने डिवाइस का कोड नेम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपने डिवाइस के प्रोडक्ट नेम को करूंगा कॉपी और नीचे आ जाऊंगा।
यहाँ पे इक्वल्स के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सॉरी आपको विजिबल नहीं हो रहा शायद। कोड नेम को टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है और आपको यहाँ पे हाइफन हाइफन टोकन इक्वल्स लिखकर जो टोकन जनरेट हुआ था कमांड से उसको अपन यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे। मेरे टोकन नंबर को कॉपी मत कर लेना, जो टोकन नंबर सबके लिए अलग अलग रहता। यहाँ पे टोकन नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन अपने account.apk जो अपन एप्लीकेशन था अपना उस वाले एप्लीकेशन पे अपन चलेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा जनरेट हुआ था उसको अपन यहाँ से कर लेंगे कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन में इसको पेस्ट कर देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने डेटा को जो है पेस्ट कर दिया है, बहुत बड़ा डेटा है। तो डेटा पेस्ट कर देने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब सेंड वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको आप रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेसिंग होगी। लॉग्ड इन सक्सेसफुली, चेकिंग अकाउंट अनलॉक अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड एग्जीक्यूट हुआ है और अपने को यहाँ पे दूसरा डेटा मिला है नीचे। यहाँ पे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना डिवाइस यहाँ पे जो है लॉग इन हुआ और यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में देख सकते हैं टोकन जनरेट हुआ है अनलॉक टोकन। तीसरी लाइन में ये चेक करेगा कि आपका डिवाइस अनलॉक करने के लिए अवेलेबल है या नहीं। चौथी लाइन में ये चेक करेगा कि आपका डिवाइस अनलॉक करने के लिए केपेबल है या नहीं। केपेबल इन द सेंस हो सकता है कि आपको यहाँ पे 168 आवर का जो टाइम आउट देखने को मिल सकता। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 168 आवर का टाइम आउट देखने को मिल सकता। 168 आवर 7 डेज रहते, मतलब 1 वीक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसका फिक्स कुछ नहीं है, आपको जो 1 वीक वेट करके यहाँ पे आपको वापस से प्रोसेस को करना पड़ेगा। ये Xiaomi का रूल है, आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको 7 दिन का वेट करना पड़ता है। मैं भी जो है 7 दिन वेट करके अपने डिवाइस का बूट लोडर को अनलॉक किया था। ये 7 दिन का टाइम आउट सिर्फ वन टाइम रहता, बाद में आप अपने डिवाइस का बूट लोडर लॉक कर लो अनलॉक कर लो कोई भी आपको यहाँ पे टाइम आउट देखने को नहीं मिलेगा। तो 1 वीक आप वेट कर लीजिए, उसके बाद वापस से प्रोसेस को करिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप 7 दिन वेट कर लिए, वापस से आप अगर प्रोसेस को कर रहे तो आपको क्या नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ। मी अनलॉक स्टेटस पे अपन जो ऐड अकाउंट एंड डिवाइसेस के ऑप्शन को अपन टैप करके ऐड करे थे डिवाइस के अकाउंट को, तो वो स्टेप आपको यहाँ पे नहीं करना है। ये स्टेप सिर्फ एक बार करने का रहता। अगर आप वापस से इसको कर देंगे तो इसका मतलब आपको वापस से 7 डेज का जो टाइम आउट मिल सकता, तो इस स्टेप को सिर्फ एक ही बार करिए। तो मेरे को यहाँ पे कोई भी टाइम आउट देखने को नहीं मिला, पहले मैं 7 दिन वेट करके अपने डिवाइस का बूट लोडर को अनलॉक कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते कमांड जो एग्जीक्यूट हो चुका है और अपने को यहाँ पे टोकन नंबर भी जो है जनरेट हो चुका है। इस टोकन नंबर को अपन अपने नेक्स्ट कमांड में जो है यूज करने वाले हैं। तो अपन चलेंगे वापस से अपने गिटहब पेज पे। तो अपन यहाँ पे 7th नंबर तक कमांड जो है एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अपने को यहाँ पे 8th 9th को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे 8 और 9 कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर आप स्किप टू 8 वाले कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते। दोनों भी कमांड रन करते, अपने को टाइम कंज्यूमिंग चीज़ा नहीं पसंद, अपन क्या करेंगे स्किप स्टेप 8 वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस वाली कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे कमांड में आप देख सकते हैं डबल कोट्स कैपिटल लेटर्स में अनलॉक अंडरस्कोर टोकन लिखा हुआ है। तो इन डबल कोट्स में अपने को जो है जो टोकन नंबर जनरेट हुआ था अपने पिछली वाली कमांड में, उस वाले टोकन नंबर को यहाँ पे अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाली कमांड को अपन कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे अपन टैप एंड होल्ड करके इस वाले कमांड को पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट होने के बाद मैं आपको बोला था डबल कोट्स में आपको टोकन नंबर जो है डालना पड़ेगा, तो अपन यहाँ से जो है बैक करेंगे थोड़ा अनलॉक टोकन तक अपन यहाँ पे बैक कर लेंगे, डबल कोट्स तक अपन यहाँ पे बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल कोट्स है पर जो ऊपर वाले कमांड पे जो टोकन जनरेट हुआ था इसको अपन यहाँ से कर लेंगे कॉपी। पूरे टोकन नंबर को यहाँ पे आपको अच्छे से कॉपी करना है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टोकन नंबर को अच्छे से कॉपी कर लिया है, सी तक मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है और इन डबल कोट्स के बाद अपन इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टोकन नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। टोकन नंबर को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डबल कोट्स को जो है क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अपन जो है कीबोर्ड पे जो है देख लेंगे डबल कोट्स और इसको अपन यहाँ पे टाइप कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कमांड को जो है एग्जीक्यूट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने डिवाइस का बूट लोडर जो है अनलॉक हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लॉक जो है खुल चुका है और आपका डिवाइस फॉर्मेट भी हो रहा है यहाँ पे साइड में आप देख सकते। तो पीसी डिवाइस पे चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फिनिश लिखा हुआ आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे अपना सारा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको जो है बूट करता हूँ और मैं यहाँ पे सारा सेटअप आपको करके बताता हूँ बूट लोडर अनलॉक हुआ या नहीं। अब आप यहाँ पे अपने डिवाइस को जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, पीसी डिवाइस का जो है काम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, इसको आप साइड में कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने डिवाइस का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। मैं चलूंगा यहाँ पे सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने डिवाइस का बूट लोडर जो है अनलॉक्ड है, दिस डिवाइस इज अनलॉक्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब आप अपने डिवाइस में जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते, कस्टम रॉम्स इंस्टॉल कर सकते, अपने डिवाइस को रूट कर सकते। बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना चाह रहे तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, TWRP या फिर ऑरेंज फॉक्स कौन से भी रिकवरी इंस्टॉल करना चाह रहे सबका जो है ट्यूटोरियल अपने चैनल पे अवेलेबल है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से जो है देख ले सकते। अब तक आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है यार।
बहुत मेहनत लगी वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिसको भी अपने डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक करना है विदाउट पीसी के, तो उसको सबसे पहले मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो भाई इतना तो बनता है, इतना तो कर सकते हैं आप मेरे लिए। और जो व्यूवर्स है अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो फिर अपना वीडियो को एंड करने वाले, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।